पहली सितंबर से फिर शुरू होगी धर्मशाला से चंडीगढ़ सीधी उड़ान। पहली सितंबर से एयरलाइंस एयर का जहाज गगल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए 9:45 पर उड़ान भरेगा और 50 मिनट के बाद 10:35 पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। पर्यटन के ऑफ सीजन में जुलाई माह से बंद धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई सेवा पहली सितंबर से फिर शुरू होने जा रही है। इस फ्लाइट के शुरू होने से चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस फ्लाइट को एयरलाइंस एयर विमान कंपनी शुरू करेगी। सुबह 9:45 पर गगल तो 10:55 पर चंडीगढ़ से यह विमान उड़ान भरेगा। जानकारी के अनुसार धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई रूट पर एकमात्र सीधी उड़ान को जुलाई में बंद करने से इस रूट पर हवाई सफर करने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को या तो हेली टैक्सी के माध्यम से वाया शिमला होकर चंडीगढ़ पहुंचना पड़ रहा था या फिर उन्हें अन्य माध्यमों से चंडीगढ़ और धर्मशाला पहुंचना पड़ रहा था। इसके चलते यहां उनका समय बर्बाद हो रहा था, वहीं उन्हें आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ रही थी क्योंकि कनेक्टेड फ्लाइट का किराया 10,000 से 15,000 रुपए तक है, जबकि गगल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए हेली टैक्सी सप्ताह में मात्र 3 दिन ही उड़ान भरती है। हेली टैक्सी में चंडीगढ़ पहुंचने वाली यात्रियों को 6,800 रुपए तक चुकाने पड़ रहे थे। अब पहली सितंबर से शुरू होने वाली इस फ्लाइट सीधी फ्लाइट से चंडीगढ़ धर्मशाला हवाई रूट के माध्यम से सफर करने वाली यात्रियों को खासा लाभ मिलेगा। 3,400 रुपए से शुरू है हवाई किराया। इस रूट पर जहां 50 से 60 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है, वहीं हवाई किराया भी 3,400 रुपए से लेकर शुरू हो रहा है। पहली सितंबर से एयरलाइंस एयर का जहाज गगल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए 9:45 पर उड़ान भरेगा और 50 मिनट के बाद 10:35 पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। वहीं चंडीगढ़ हवाई अड्डे से यह विमान 10:55 पर टेक ऑफ होगा और 60 मिनट के बाद 11:55 पर गगल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा।